एक पार्टी और है, एक पार्टी और है, मुझे पता है आप, एक पार्टी और है, लोकदल पार्टी। अब रोला हो रहा है, जूतम जूत हो रहे हैं, लठम लठ हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या सब कह रहे हैं। जो बातें आ रही हैं आपने भी देखी, मुझसे पहले सबने कहा, जो परिवार के अंदर से बातें निकल के आ रही हैं, ना तो उन बातों की समाज में कोई स्थान है, ना राजनीति में, ना लोकतंत्र में। राजनीति के स्तर को निम्न स्तर पे लेके जाने का ये काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? केवल सत्ता की भूख, सत्ता संपत्ति की भूख के लिए राजनीति का स्तर तहस नहस करके राजनीति को ऐसे स्तर पे लेके जा रहे हैं जो जो देखते हैं, जो देखता है उसको मन में दुख होता है। मगर क्यों क्यों आज ये जरूरत आई? इस पार्टी को तो सोचना चाहिए था, लोकदल की जो पार्टियां हैं, कि आपका इतना बुरा हाल क्यों हुआ? जब सरकार बनी, 5 साल सरकार चली इनकी, 5.5 साल 2004 तक, उसके बाद ये जब चुनाव हारे, 6 चुनाव लगातार, 3 लोकसभा के चुनाव, 3 विधानसभा के, 2004 में विधानसभा लोकसभा, 2009 में विधानसभा लोकसभा, 2014 में विधानसभा लोकसभा, 6 चुनाव लगातार प्रदेश की जनता ने इनको हराने का काम किया, और हर इलेक्शन में वोट भी घटी, सीट भी घटी। 6 इलेक्शन तो को गांव में सरपंची में भी खड़ा हो जाए तो 4th-5th इलेक्शन के बाद न्यू क्या करे कि भाई इसकी इसके मौका दे दो, क्योंकि 6th-5th इलेक्शन हो गया ऐसा छटाला। 6 इलेक्शन और घटते घटते 2014 में 18 सीट, 2 लोकसभा की सीट, 55 सीटों पर जमानत जब्त, 55 सीटों पर हरियाणा में, यानी कि हरियाणा के बड़े हिस्से से इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। आज फरीदाबाद से आए हुए उदयभान जी विधायक पलवल से, जमानत वहां पे, सारी सीटों पे जमानत जब्त, अस्तित्व नहीं रहा। दक्षिण हरियाणा से कप्तान अजय यादव जी आए हुए हैं, दक्षिण हरियाणा की ही सीट पे जमानत जब्त। अंबाला से वरुण मुलाना जी आए हुए हैं, उत्तर हरियाणा की हर सीट पे जमानत जब्त। 3-4 जिलों में पार्टी सिमट के रह गई। रोहतक में क्या हाल है आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। 3-4 सीटें, और इसीलिए जब रोला हुआ, जज्बा पार्टी बनानी पड़ी, 3 रैली करी, तीनों की तीन कहां करी? जींद में। तीनों की तीन के कहां करी? जींद में। न्यू करी कि कितने और करण का ब्योते नहीं रह रहा, यही करी। सोचना चाहिए था इनको, सबक नहीं लिया, मगर आपस में लड़ने लग गए। दो काम किया इन्होंने, दो काम किए, बीजेपी के साथ मिलके चले। हम कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम भी आ गई और सी टीम भी आ गई बीजेपी के। और आज एक दूसरे को कह रहे हैं, दुष्यंत कह रहे हैं अभय चौटाला को कि मेरे चाचा बीजेपी के साथ मिलके चलते थे, 5-6 साल मिलके चले और हुड्डा साहब पे निशाना साधते थे, कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधते थे। और अभय कह रहे हैं कि मेरे भतीजे जो हैं वो बीजेपी के साथ मिलके चल रहे हैं, दुष्यंत बीजेपी के साथ मिलके चल रहे हैं। साची बात नहीं है भाई, दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों ही ठीक कह रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलके चले। अब दुष्यंत कह रहे हैं, अब आपकी आत्मा जागी कि आपके चाचा बीजेपी के साथ मिलके चल रहे थे 5 साल, मगर 5 साल आपको क्या हुआ? जब आप साथ देते थे मैं लोकसभा में देखता था, जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तब आपने बीजेपी की वोट क्यों डाली? और हम कहते थे बीजेपी ने नाश कर दिया हरियाणा का, सत्यानाश, और बीजेपी से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, बीजेपी को हरियाणा की सत्ता से बाहर खदेड़ने की जरूरत है, आप पाप में भागीदार मत बनो। मगर जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तब आपने बीजेपी की वोट घेरी, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तब आपने बीजेपी की वोट घेरी, जब अविश्वास प्रस्ताव लाए मोदी सरकार के खिलाफ, और जब वहां सदन में मैंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि मोदी सरकार के पास कोई तोप है, इनकी सीबीआई में, इनकी ईडी में अगर कोई गोली बनी है, कोई बंदूक है, कोई गोला बना है, कोई तोप है, कोई मशीन गन है, तो हम छाती अड़ा के खड़े हैं, जब तक इनकी सरकार को हरियाणा से खदेड़ नहीं देंगे तब तक यहां सदन में इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों में खिलाफ लड़ेंगे। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया तब इनके सांसदों ने बीजेपी का साथ क्यों निभाया?
और अब कह रहे हैं कि मेरे चाचा बीजेपी का साथ दे रहे थे। सच ये है, दोनों दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, और आगे जरूरत पड़ेगी बीजेपी को तो आगे भी बीजेपी का साथ देने का कोई काम करेगा। आज तो कुश्ती लड़ रहे हैं, अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी समर्थन की तो समर्थन लेटर लेके मैं दौड़ लगाता भी दिखा दूंगा कि किनमें से कौन सा बीजेपी के पास पहले पहुंचेगा। आगे भी पड़े जरूरत पड़ी तो बीजेपी का सबसे पहले साथ देंगे, इस बात को समझना है। एक एक वोट जो इन दोनों में से किसी भी पार्टी की जाती है, एक एक वोट वो बीजेपी की सरकार को जीवन दान देने का काम करेगी। इस बात को आपको हमको समझना है, सबको समझाना है। कहते हैं, कह रहे थे इनके उम्मीदवार, उनकी स्टेटमेंट में देख रहा था कि रणदीप सुरजेवाला जी भारी हैं, वो जींद के भारी हैं। दिग्विजय चौटाला कह रहे थे, जिनके नाम के आगे चौटाला लिखा है, चौटाला गांव कहां है भाई मेरे, और सुरजेवाला गांव कहां है हमारे, रणदीप जी के तो नाम में सुरजेवाला लिखा हुआ है। कह रहे भारी हैं, मगर मैं इनकी बात मैं बुरा नहीं मानता इनकी बात का। ये हो सकता है कि प्रेस वाले कह रहे हैं भारी, वो असली में उनका मतलब था भारी उम्मीदवार हैं हमारे, भारी उम्मीदवार, बहुत भारी उम्मीदवार हैं। कह रहे अपनापन, जींद के साथ अपनेपन की बात कर रहे हैं। अब अपनेपन की याद आई आपको, सरकार बनी थी, सारे विधायक थे इनके, चौटाला साहब जींद की धरती से जीत के गए थे, चंडीगढ़ में नरवाना से जीत के गए थे, यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन चला, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई 5.5 साल की अपनी सरकार में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में बनाई, स्वागत करते हैं हम, बननी चाहिए सिरसा में भी यूनिवर्सिटी, बननी चाहिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, हमने उसको बढ़ाने का काम किया। मगर एक यूनिवर्सिटी वहां बनाई तो एक यूनिवर्सिटी जींद में भी बना सकते थे, 5.5 साल इनकी सरकार थी, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, वहां बनाई तो अपनापन होता, यूनिवर्सिटी नहीं तो एक कॉलेज खुलवा सकते थे, कॉलेज नहीं तो एक पॉलिटेक्निक खुलवा सकते थे। पांचों विधायक आपको दिए थे, मुख्यमंत्री यहां से बनाया था, यहां एक कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक, एक आईटीआई, एक शिक्षा का संस्थान आपने नहीं दिया। और जब कांग्रेस की सरकार आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कलम में आई, का हाथ में कलम आई और यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, तो पहली कलम से चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी जींद में बनवाने का काम किया आपके बीच में। यह अपनेपन की बात होती है आपके सामने, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जींद में लाने की बात हो। हमारा तो कोई विधायक भी नहीं था, पांचों सीट हार गए थे, यहां से भी लोकदल का विधायक था, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी बनी तो जींद में बनी, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना तो जींद में बना, 5 कॉलेज सफीदों के कॉलेज की बात है, बच्चन सिंह आ रहे बैठे हैं, जुलाना के कॉलेज की बात है, नरवाना के पॉलिटेक्निक की बात है, इस रेल की लाइन की बात है जो जींद से गोहाना होकर सोनीपत रेल की लाइन जाती है, इस 4 लेन की बात है, पॉलिटेक्निक की बात है, महिला महा जींद के अंदर महिला कॉलेज की बात है, इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की बात है, 5 कॉलेज हमारे इसी में तोड़ हो जाता है। आपके समय तो आपने कोई शिक्षा का संस्थान नहीं बनाया, 5 साल से खट्टर सरकार है, आपके समय आपने किसी कॉलेज में कमरा नहीं बनवाया, खट्टर सरकार। मेडिकल कॉलेज की तो आपने वायदा किया था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलोगे, कॉलेज की तो दूर की बात है, हमने 5 कॉलेज बनाए थे, आपने किसी में कमरा नहीं बनवाया। अब वोट आप वोट मांगने आए हो, आपके बीच में जनता आपका हिसाब किताब करेगी। आपने जो जैसे चौटाला का वायदा था, ना मीटर रहेगा ना मीटर रीडर रहेगा, उस वायदे को पूरा कांग्रेस ने आके काम किया 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करके। ये आपका वायदा है कि भाई हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये इस वायदे को भी जो हमने कॉलेज बनाया था यहाँ पे और अस्पताल बनवाया था जिसमें आज डॉक्टर नहीं है, आपके इस वायदे को भी हम आके पूरा करेंगे, जींद में मेडिकल कॉलेज भी हम आके बनवाएंगे। विकास के पहिए को दोबारा से घुमाने का अवसर आया, 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने का अवसर आया है, प्रदेश को दोबारा से सही दिशा में लेके जाने का अवसर आया। ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी आप पे और हम पे है। आज मैं आखिर में एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। हमारे उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सबसे इसमें सभी ने कहा कि सबसे काबिल उम्मीदवार है, आप जानते हो सबसे काबिल उम्मीदवार है, मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरा भी तजुर्बा हो गया, 14 साल से मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, बहुत से सांसदों की कार्यशैली देखने का अवसर मिला, हरियाणा के अंदर भी
दस वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, आज कांग्रेस विपक्ष में है, बहुत से विधायकों का कार्यकाल कार्यशैली देखने का अवसर मिला। मगर मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, भाई रणदीप के छोटे भाई की तरह मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह की काबिलियत जिस इलाके ने जिन लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया, उस इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने की काबिलियत, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे और आशीर्वाद के सबको मान सम्मान देके उस इलाके के नौजवान के भविष्य को संवारने की काबिलियत, जो काबिलियत इनमें है मैं समझता हूं वो काबिलियत और किसी में नहीं, आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक विश्वास का हमारा रिश्ता, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मंत्रिमंडल में 10 साल रणदीप भाई थे, एक परिवार की तरह हुड्डा साहब ने एक विश्वास और इनका आपस का, आज भी आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रणदीप जी और हम साथ वहां पे काम करते हैं राहुल जी के नेतृत्व में, आपस में जो एक विश्वास और जो एक अपनापन और एक भावना है, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, एक एक वोट जो भाई रणदीप को मिलेगी यहां से वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। खट्टर साहब और बीजेपी सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी, और एक एक वोट जो भाई रणदीप को मिलेगी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करेगी, और वो एक एक वोट जो भाई रणदीप को मिलेगी वो तुम्हारे छोटे भाई दीपेंद्र के भी खाते में जाएगी, आज मैं ये कहना चाहता हूं। तो आप सबको दो दिन और, आज जो बीजेपी ने दुस्साहस किया, सीबीआई पहुंची, रोहतक में पहुंची, 5 साल हो गए, 5 साल लगातार हम पे निशाना, मोदी साहब खट्टर साहब 5 साल लगातार हम पे निशाना साध के हमारी आवाज दबाने की कोशिश, मगर वो हमारी आवाज नहीं है क्योंकि हुड्डा साहब लोगों की आवाज उठा रहे थे, आपकी आवाज उठा रहे थे, इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज दबाने की कोशिश 5 साल लगातार। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में जितना हंगा है, 5 साल हो गए आपको कुछ मिला नहीं, इलेक्शन में भी आप में जितना हंगा आप लगा लेना, आप में जितना हंगा आप पूरी जितनी आप में सरकार का जो तंत्र है जितनी कोशिश है आप कर लेना, आप सारी सरकार हमको पे निशाना बांधते बांधते आप थक जाओगे मगर हमारा हौसला थकने वाला नहीं है। अरे आप हमारा रास्ता सही रास्ता है, हमारा रास्ता सही रास्ता है, हरियाणा को ठीक दिशा में लेके जाने का रास्ता है, आपका रास्ता गलत रास्ता है। आप सोचते हो हमको चुप कर दोगे, हम अंग्रेजों से चुप नहीं हुए थे, अंग्रेजों की काली कोठड़ियों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी जवानियां दी थी। आज मैं कहना चाहता हूं आपके आशीर्वाद से मैं छुट्टी बोलना चाहता हूं, जो कर अपने हरियाणा में कुश्ती होती है दंगल होता है तो छुट्टी बोलते हैं कि भाई आजा भाई कोई सा पहलवान आता है तो आजा, आज मैं छुट्टी बोलना चाहता हूं, अगर हौसला है तो आप में जो करना आप करो, इस तरीके की झूठी कार्रवाई से हम चुप नहीं होने वाले, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपकी गलत विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और जब तक उठाएंगे जब तक हरियाणा से आपका साफ सफाया नहीं होता और कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी के झंडे का हरियाणा के अंदर जब तक उनका परचम नहीं लहराया जाएगा तब तक आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज मैं भाई थारी इजाजत हो दोनों हाथ उठा के एक बार बताओ छुट्टी बोल दे इनकी, और भाई ये जो इन्होंने किया है इसका वोट का चोट का बदला जींद के इलेक्शन में, वोट की चोट का बदला मेरे भाई रणदीप जी का साथ देके आप सबको वोट की चोट से इनका बदला लेना है। बोलो भाई, बोल दो भाई छुट्टी, दोनों भाई मिलके रणदीप और मैं मिलके दोनों भाई बोल दो भाई छुट्टी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जी जय राम जी की।